नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। बड़वारा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर बाइक लूटने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। एक आरोपी फरार है। आरोपियों से बाइक, एक चाकू और नकदी रुपए जब्त हुए हैं। आपको बता दें कि बड़वारा थानांतर्गत दीपक कुमार नामदेव पिता शिवबालक नामदेव उम्र 27 साल निवासी देवरीहटाई ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। युवक ने बताया 12 मई को रात 11 बजे जब वह कटनी से अपने घर देवरी हटाए आ रहा था, तभी सलैया मोड़ पर तीन लड़कों ने उसे रोककर गाली गुप्तार करते हुए मारपीट की और चाकू मारकर पसा उसमें रखे पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, एटीएम व नकद 800 रुपये छीन लिए और अपने साथ जबरदस्ती मोटरसाइकिल में बैठाकर मंगल नगर SBI ATM ले जाकर उससे ATM कार्ड से 40,000 रुपये निकलवाए। युवक ने बताया कि अपने साथ चौरसिया गार्डन ले जाकर मारपीट किए और मोबाइल की सिम तोड़ दिए और प्रार्थी की मोटरसाइकिल छीनकर भाग गए थे, जिसकी रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना लिया गया तथा संपूर्ण घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक कटनी को दी गई। पुलिस अधीक्षक वारा अविलंब थाना प्रभारी रंगनाथ नगर, थाना प्रभारी NK जैव, थाना प्रभारी बड़वारा तथा साइबर सेल की एक विशेष टीम गठित कर आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। आरोपी अभिषेक साहू, किशन निषाद दोनों निवासी कटनी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से प्रार्थी के मोटरसाइकिल पस, आधार कार्ड, फोटो अव 10,800 रुपये बरामद किए गए हैं। एक आरोपी फरार है। रिपोर्ट पर थाना बड़वारा में लूट की FIR की गई, जिसकी सूचना श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गई, जिनके द्वारा एक संयुक्त टीम तैयार की गई, जिसमें रंगनाथ थाना, NK जैव थाना, बड़वारा थाना एवं साइबर की मदद से हमने दो आरोपियों को पकड़ लिया है, जिसमें से एक आरोपी फरार है। दो आरोपी नाम है अभिषेक साहू, आजाद चौक निवासी, और किशन। इनसे हमने पर्स, आधार कार्ड, फोटो, 10,800 रुपये, उसमें घटना में प्रयुक्त चाकू, बाइक, मोबाइल, ये हमने बरामद किया है। एक आरोपी फरार है, जिसका नाम है शरद दीवान, जिसे जल्द ही पुलिस गिरफ्तार कर लेगी।